सागर जिले में बीती रात मूसलाधार बारिश होने की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जिले से निकलने वाली आधा दर्जन से अधिक नदियां उफान पर चल रही हैं, जिसमें बेवस, धसान, सुनार, बीना, बेगमती, लांच, सिलार, नरेन, कोपरा नदी उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं। बता दें कि शनिवार रविवार की रात जिले भर में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्रों के अनुसार सागर जिले में 110 मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड की गई। इसमें सबसे अधिक गढ़ाकोटा में 8 इंच, रहली में 7 इंच, देवरी केसली में 6-6 इंच, सागर में 5.5 इंच बारिश हुई है। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बनी, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। घरों में पानी भरने की वजह से खाने पीने तक की सामग्री खराब हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार मानसूनी ट्रफ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर बने निम्न दबाव की वजह से बंगाल की खाड़ी तक फैला है। इस कारण जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटों में जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि दक्षिण पश्चिम बिहार, उत्तर पश्चिम झारखंड पर बने डिप्रेशन से उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ यह सिस्टम है, जो बारिश करा रहा है। समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ कोई अगर बीमार हो जाता है तो ग्रामीणों को, क्योंकि एक आगे नाला और एक ये है, दोनों में बहुत समस्या होती है। और दादा है ना, तो बरसों से देख रहे हैं। सही बात, बरसों से देख रहे हैं। अच्छा, तो समस्या हो रही है क्या? समस्या है, देखो पीछे कम से कम 10 फुट ऊपर पानी है। दोनों नाले एक साइड, एक साइड, और यहाँ जो 20-25 जो घर है तो समस्या ज्यादा हो जाती है। अच्छा, देख रहे आप पीछे, और इन दादा के तो घर में ही पानी भर गए थे अंदर। क्यों दादाजी? हाँ, पानी भरो, बेच दो पानी। अच्छा, घर में भर गो पानी, खराब भैंसे बनी। हर साल की परिस्थिति है, क्योंकि डैम से पानी आता है तो ऐसे ही पुलिया बड़ी होना चाहिए, चढ़ा रहता है।